आइए दोस्तों खबरों में आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमण सिंह जी पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या क्या सांत्वना दी और क्या कुछ बातें की। सर वो 20 लाख के लिए उसको लिख करके और मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है और आवास के लिए जमीन चिन्हित कर रहे हैं, एक दो दिन में कर देंगे। और हमारे तरफ से डिमांड भेज दीजिए 20 लाख नहीं 25 लाख कर जी, ये लोग बहुत गरीब हैं जी जी, तो उसको 25 लाख जी जी कम से कम आवास और हैंड पाइप जी, और अगर इनके परिवार में कोई हो तो एक नौकरी जी, उसका भी प्रस्ताव सर बना के भेजने वाले हैं। हाँ तो भेज दीजिए घर उधर जैसे हमारे नाते कल्प थे कल पता ही आराम पते कल पता ही छोटा बच्चा नादान गबुआर कुछ गलत सर सुरक्षा के लिए चाहिए हम ले ले राइफल से क्या पिस्तौल ले ले रिवॉल्वर का ही कूल गया था कुछ झगड़ा ना रहा है कुछ अब नहीं जाना छोटी के टाइम में मारा गया था लड़का पता दिन तो मनाई रोवत रहा हूँ बोला सब गायब रही भैया के नहीं मिल रही है मेरी। सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है? सरकार की तरफ से वह मदद कुछ नहीं हुई है। तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज 24 में। तो दोस्तों आज हम पुनः आप लोगों का ध्यान एक बार फिर से आकर्षित करेंगे प्रयागराज में हुई खीरी वाली घटना की तरफ। तो दोस्तों बता दें कि बीते 28 अगस्त को जो प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत दत्तू का पूरा गांव है जहां पर एक घटना घटित हुई थी जिसकी प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया था, चक्का जाम करने का काम किया था और साथ ही ग्रामीणों के साथ साथ पीड़ित परिजनों ने भी अपनी आवाज़ को बुलंदी दी थी। उनकी कुछ प्रमुख मांगे थी कि हमारे दी गई मांगों पर अमल किया जाए और जिस तरह से प्रशासन ने कार्य में शिथिलता बरती है तो प्रशासन के उन आला अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना करें। दोस्तों बताते चले कि घटना के आज से लगभग 5 से 7 दिन होने को चले हैं। पीड़ित परिवार की कुछ प्रमुख मांगे थी जिसमें पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें कम से कम 30 लाख रुपए, 5 बीघे जमीन, 1 सरकारी नौकरी, आवासीय पट्टा हेतु भूमि और 1 आवास। और साथ ही बीते 28 अगस्त 2023 को खीरी में जो घटना घटित हुई थी उस घटना के जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जाहिर किया, पीड़ित परिवार के साथ मिलकर थाने का घेराव किया, चक्का जाम करने का काम किया जिसमें जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री जी के द्वारा ग्रामीणों को और साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा दी गई मांगों को अमल में लाया जाएगा और साथ ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाया जाएगा, फिर उनके द्वारा जो भी सुविधाएँ प्रदत्त होंगी तो उससे पीड़ित परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों मामले को लेकर आज 7 दिन हो चुके हैं, पीड़ित परिवार का निरंतर आरोप है कि सांत्वना के अलावा अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर पर तमाम नेता मंत्री विधायकों का निरंतर आवागमन जारी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी सहानुभूति उनको दे रहे हैं। वहीं पर प्रशासनिक दस्ता आज भी प्रयागराज के खीरी थाना अंतर्गत दत्तू को पूरा गांव से लेकर पूरी खीरी मार्केट के चप्पा चप्पा कोने कोने पर मौजूद है और निरंतर अपनी नज़र जमाए हुए है कि कहीं फिर से कोई अराजकता का माहौल उत्पन्न ना हो। ऐसे में दोस्तों बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमण सिंह जी भी पहुँचे पीड़ित परिवार के घर और पीड़ित परिवार के पास पहुंचने के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और साथ ही उनका दुख जानने का प्रयास किया और उनके दुख की इस घड़ी में सम्मिलित होकर
उनका ढाढ़स बंधाया और साथ ही आश्वासन दिया कि हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जो भी आपकी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, जिसमें एक एक करके कुंवर रेवती रमन सिंह जी के द्वारा पीड़ित परिजनों से बातचीत की गई और साथ ही संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की बातचीत की गई। तो आइए दोस्तों, खबरों में आप लोगों को दिखाते हैं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमन सिंह जी पीड़ित परिवार के घर पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या क्या सांत्वना दी और क्या कुछ बातें की, तो आइए खबर में देखते हैं। सलमान आपका स्कूल गया था, कुछ झगड़ा ना रहा है, कुछ अपना एग्जाम छुट्टी के टाइम में मारा गई लड़का पता दी तो मना रो बता बोला सब गायब रही भैया के नहीं मिल रही है मेरी पता नहीं। हाँ हाँ कोनो के उन्होंने लड़का झगड़ा लड़ाई कुछ कबो के उसका तय नहीं रहा न उनका हम चीनी न हम चीनी न जाना है ही मारे पर पता चली जानकारी सरकार की तरफ से क्या मदद मिली है? सरकार की तरफ से वह मदद कुछ नहीं हुई है। क्या नाम है? चुप रहिए, शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। वो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान है, हमारी तबीयत हर समय खराब रहती है। आप आ जाइए, जहाँ हो अस्पताल में हुआ इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में दवा ववा का सब हम व्यवस्था करो। अगर जरूरत पड़ेगी तो जब काम खत्म हो जाए तो इनको लेके आ जाना तो हम मेडिकल कॉलेज में दिखवा लें दवा ववा सब। ठीक है, बीमारी बाहर तो लेता हम ऑपरेशन करवाए देखो पैसा नहीं ठीक है यहाँ के करवाए। निवेदन है सब होए चले हो कर घर उधर जैसे हमार नाते कल्प है छोटा बच्चा नादान गबुआर कुछ गलती नहीं किया हमारे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण हो नहीं जम गाड़िया का कहा था साहेब हां वहां चल के घर पर हम बहुत गरीब हैं मजदूरी कर करके खवा देती हमारे घर में जाके आज देख लिया आज तक गल्ला नहीं है जो कोटेदार है हमारे घर में गल्ला कुछ नहीं मैं किसी से नहीं कहती कि मेरे घर में कुछ नहीं है फिर भी हम अपना चलाती थी आपका पति क्या कर पागल खत्म हो गया लड़का है आपको पाँच चार बच्चे हैं एक को लाइन छोटा वाला सबसे लड़का दिमाग खराब है एक टन है बड़ा वाला पढ़ा लिखा रहा पढ़ते फाइनल
हम चेक भिजवा देंगे केवल इसी के नाम हो जाएगा। हाँ हाँ खाता है श्यामा जी पत्नी मनोकामना। अरे भाई ये बता सर सुरक्षा के लिए चाहिए हम राइफल से क्या पिस्तौल ले लो रिवॉल्वर रिवॉल्वर ज़्यादा ठीक है। अब इसके बाद अभी तो कुछ नहीं। हाँ अप्लाई करवा ना अप्लाई में रिवॉल्वर ही करें क्योंकि लेना अब अपने पास राइफल कहाँ लेके घूम रही है अपने पास और कौन जरूरत है बताओ और कोनो बात हो तो के बताओ बात साहब कहे हैं डीएम साहब की जो आप तो ठीक है साहब से मिले साहब से कोनो जरूरत हो तो के बताओ। हाँ तो सरकारी व्यवस्था तो हो गई तेरे कुछ बोलते कहता कहने एकदम शांत जैसे ही कोनो चीज अब बहुत बोलत रहे वह नहीं बताओ सर साहब कोनो कोनो समस्या हो कहा कैसे हो कुछ कहा चाहते साहब तो नहीं होके हाँ कैसे जाने बाहर मदद हो तब तबड़ा हल्ला हल्ला करे है मैं कुछ बोलते ही ना एकदम मौन हुई हल्ला गुल्ला नहीं शांति से बताओ अपनी समस्या पूरी बताओ जो तो जैसे गड्डी गड्डी तू सब से बताए साहब आए साहब का जाना था कहां भाई साहब का जाना था कि कहां है कैसे है कहां रहे हो पूरी सुविधा से पूरी दास्तान बताओ कहां है घटना। विद्यालय पढ़ने गए थे तो वहां बच्चा धमकी दिया था हमारा भी था तो अध्यापक लोग समझा बुझा कर भेज दिए थे घर काहे मारा था तो एक बच्ची गई थी कुछ आपत्तिजनक बात कुछ कहे होंगे उसने सब तो विरोध किया भाई जैसे बच्ची थी तो अपने घर के सामने और हमारे बच्ची बताई जैसे बताई थी कि उसमें बच्ची हम तो देखे थे नहीं बच्ची बताई कि प्रधान भी थे उसमें कह रहे थे मारो और उसी के माध्यम से हमको जानकारी है बच्ची के माध्यम से उसको लकड़ी का एक पटरी होता है ना घर बनता है उसी पटरी से मार के नहीं पटरी से और यही प्रहार किए हैं और आसपास के लोग देख रहे थे उसको बचाए नहीं। सर वो 20 लाख के लिए उसको लिख करके और मुख्यमंत्री जी को भेज दिया गया है और आवास के लिए ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं एक दो दिन में कर देंगे और हमारे तरफ से एक जवान भेज दीजिए 20 लाख नहीं 25 लाख कर जी ये लोग बहुत गरीब हैं जी जी तो उसको 25 लाख जी जी कम से कम ठीक सर ठीक और आवास और हैंड पाइप जी और अगर इनके परिवार में कोई हो तो एक नौकरी जी उसका भी प्रस्ताव सर बना के भेजने वाले हैं आप भेज दीजिए। उनके पास कोई पढ़ा पढ़ा लिखे आदमी जी जी और एज है जी जी उनको नौकरी जी और 25 लाख का भेजवाइए जी बहुत गरीब हैं जी जी
क्यों मारे क्यों क्या सर वो लड़कों का भी बात था साहब धीरेन्द्र भैया ये हमारे जी 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 एकदम एकदम क्यों घटना ही घटी क्या था घटना तो जैसे दो दिन हमें भी हुआ जाता अभी पूरे सब लगे हुए हैं अच्छे से कि आपसी स्कूल में ही लेके मारपीट हुई थी नहीं क्यों हुई किस बात के लिए वो भी क्लियर हो जाएगा अभी सब क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी ही क्लियर करवा देंगे अभी क्लियर नहीं अभी क्लियर नहीं हो जाएगा सर रवि से कोई रंजेश थी कोई बात था नहीं स्टूडेंट्स कोई बात नहीं स्टूडेंट्स मारे क्यों मारने का तो कोई कारण होगा ना वही है जो लड़कों में आपसी पढ़ने में जब एक जगह रहना है जब लड़ गए तो ये कि चलो सारे लोग देखते हैं अपनी जगह सर लड़ गए मान लीजिए तो बच्चे बहुत लड़ाई करते रहते हैं तो उसे उसे उसको जान से मारने की हाँ गलत की है ये 25 लाख का अब लिखिए जी जी और एक आवास एक नौकरी और एक हैंड पाइप जी नहीं ये कहीं मिले दो प्रस्ताव किए हैं दो इसमें एक हैंड पंप भी जोड़वा दीजिएगा हैंड पंप देखते हैं सर हैंड पंप में थोड़ा सा ये है कि घर घर जल योजना में हैंड पंप थोड़ा सा देखते हैं अगर जो संभव है तो करता हूँ वो तो होगा सर वो तो हर घर जल योजना के अंतर्गत इनके यहाँ वो नल का वो होगा जी 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 निश्चित निश्चित जी सर इन लोगों को खाने पीने का कंट्रोल वो इंतजाम करवाए हैं करवा दिए जी वो करवाए हैं पर्सनली तहसील की तरफ से भी कुछ अनाज उनाज मिला हुआ आप लोगों के सरकार तरफ से क्या मदद मिली है सरकार की तरफ से पैसा मिला है कुछ कितना 50,000 और गल्ला मिला है कितना 1 क्विंटल 50 किलो गेहूं 50 किलो बढ़वा दीजिए और बढ़वा दीजिए क्योंकि इन लोगों के पास कुछ है वही नहीं जी खेत वो तो है नहीं तो ठीक है सर महीना बदल गया है फिर देखते हैं हाँ उस महीने का हो गया अब इस महीने में फिर करते हैं ठीक है करते हैं जितनी मदद होगी सर वो हम लोग अपने स्तर से देख करके और कर रहे हैं इनका आवाज जल्दी बनो जी 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 ठीक है।